एवरीवन, मैं हूं अश्मिता सिविल सेंटर से और आज हम लोग के साथ है कौशिक मित्रा। तो वो हमारे एक स्टूडेंट हैं, हम सिविल सेंटर से उन्होंने एक कोर्स किया है। तो चलिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सिविल सेंटर के साथ। तो कौशिक, पहले आपसे कुछ इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे आपका, प्लीज। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Kaushik Mitra. I am basically from Malda, but currently staying in Kolkata. So I did my pursuing my BTech degree in civil engineering at Malda town. तो कौशिक, मुझे एक बात बताइए कि आप सिविल सेंटर के कांटेक्ट में कैसे आए, मतलब आपको कोर्सेज के बारे में कैसे पता चला? मैम, पहले तो मुझे कोई कुछ मालूम नहीं था हम कौन से कंपनी में ट्रेनिंग करें या कुछ क्या करें। तो एक फ्रेंड है मेरा, तो वो सिविल सेंटर से बहुत ट्रेनिंग कर चुका था, लेकिन उसने मुझे बोला था और जो दूसरा कंपनी है वो ठीक से समझाते नहीं, फिर डाउट क्लियरिंग के लिए एक ही क्लास देते हैं। तो उसने मुझे बोला सिविल सेंटर में डाउट क्लियरिंग के लिए आप जितने भी क्लास लेना चाहते हैं, आप समझ में नहीं पाए आप एक बार सर से कॉन्टेक्ट करिए, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी हो, तो वो ठीक से समझ में आएगा। तो मेरा अच्छा लगा, तो फिर मैं कसैट से बात करे, सिविल सेंटर से कांटेक्ट करे, तो मैं एक एस्टिमेशन का ट्रेनिंग भी किया है। पहले भी मैं हम ऑटो कैट का एक ट्रेनिंग किया था, तो मैम नो डाउट हम मुझे समझ सब समझ गया। ओके, तो आपने अच्छा लगा, एस्टिमेशन के साथ साथ ऑटो कैट भी किया है? यस मैम, मैं 2 महीने पहले ऑटो कैट का एक ट्रेनिंग किया था, उसके बाद मुझे अच्छा लगा बहुत, तो मैं हम सोचे एस्टिमेशन सर से ही सीख ले, सिविल सेंटर से ही सीख ले पाएंगे अच्छे से, तो इसलिए सिविल एस्टिमेशन का करा। ओके, एक मिनट, एक ओके। तो कौशिक, आप मुझे ये बताएंगे कि ऑटो कैट में आपने क्या क्या सीखा था और आपको कैसा लगा, मतलब ऑटो कैट करके आपको कॉन्फिडेंस आया कि आप अभी कर सकते हैं, आप कोई भी प्लान न्यू क्रिएट कर सकते हैं खुद से? यस मैम, पहले तो हम जब स्टार्ट किए तो बेसिक जो होता है वो तो मैंने ठीक से ही सीखे, ठीक है। उसके बाद हमने 2D प्लान अच्छी तरह से सीखे, क्योंकि 3D बहुत सही है मैम, ठीक है, वो बहुत इजी है, तो 2D प्लान जो है वो ठीक से समझ पाएंगे, उसके बाद ही 3D आपको समझ में कुछ मैंने वो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो 2D अगर आप समझ में आ गया तो 3D बहुत मैंने इजी है, ठीक है। तो हमने 2D बहुत अच्छे से सीखे, उसके बाद हमने 3D भी ड्राइंग भी सीखे, तो अभी हम कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, फ्लोर प्लानिंग या ग्राउंड प्लानिंग। ओके, तो आपको अभी वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप खुद से वो प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने वास्तु को कंसिडर किया था क्या, कुछ मतलब वास्तु के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज आपने लिया था? वास्तु के है, यस मैम, वास्तु के सही कौन सा रूम किधर मैंने सेट करना है, कौन सा रूम किधर मैंने होना चाहिए, तो ये हमने सीखा था, सर से सीखा था, तो सर ने अच्छे तरह से समझाया, वो तो वो हम समझ में समझ के लिए ठीक से। तो ओके, बहुत बढ़िया है। तो कौशिक, अभी ये बताइए कि ऑटो कैड आपका बहुत अच्छे से हो गया, इसके बाद आपने एस्टिमेशन का कोर्स भी किया था, तो आप यस मैम एस्टिमेशन ओके, तो आप कॉलेज में पढ़े होंगे एस्टिमेशन, तो कॉलेज से जो पढ़े हैं और सिविल सेंटर से जो आपने कोर्स किया है, कुछ डिफरेंस था क्या कौशिक दोनों में? यस मैम, अभी तो कॉलेज में सभी पता है पेंडेमिक सिचुएशन है ऑल ओवर ऑल, सो अभी कॉलेज में तो ऑनलाइन क्लास चल रहा था, लेकिन वहाँ पर ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे, सर ने कुछ दिखा दिया तो हम पूछ भी नहीं सकते थे, लेकिन पूछ भी लिया तो सर एक बार बता दिए, तो उसके बाद हम भूल गए, मैंने जो बेसिकली जो होता है ऑनलाइन में क्या हम समझे, ठीक है, तो जब समझाया तो वो हम समझ लिए, लेकिन उसके बाद हम भूल गए तो वो क्या बोले थे, कौन से जहाँ पर क्या क्लिक किए थे, लेकिन अभी हम सिविल सेंटर से वही एस्टिमेशन वाला ही कोर्स किए हैं, तो एस्टिमेशन में सर सिविल सेंटर में सब ऑनलाइन क्लास हो जाने के बाद सभी क्लास का एक रिकॉर्डेड सेशन दे देता है, ठीक है, तो वो आप जितने बार चाहो जहाँ चाहो वहाँ भी पॉज कर करके जितने बार आगा पीछे करके हम बहुत बार देखे, तो अभी हम समझ पाए ठीक से,
फिर हम एस्टिमेशन अच्छी तरह से सीख लिया है अभी okay. कर सकता है okay. तो यानी कि कौशिक आपको हर एक क्लास के साथ एक रिकॉर्डिंग सेशन मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो yes, मिलता है, जिसको आप कहीं कभी भी पॉज करके या फिर कभी भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कहीं पे आप रुक गए तो उसको आप बाद में भी उसको देख सकते हैं, और ये वीडियो yes, ma'am, yes, ma'am. रहेगा राइट। यस मैम, यस यस मैम। ओके, तो कौशिक मुझे एक बात बताइए, आपको डाउट तो होता होगा, तो डाउट क्लियरिंग का क्या प्रोसेस है सिविल सेंटर में? मैम डाउट तो पहले तो मुझे डाउट बहुत था, लेकिन उसके मैं वही सोच रहा था ले इतना डाउट है हम क्या करें, फिर एक दिन में तो डाउट क्लियरिंग नहीं होगा। तो मैंने पहले सोचा था जो एक दिन के लिए है तो टाइम देंगे सर, जो एक दिन में जितना डाउट है सब। तो मैंने पहले क्या किया था, जितना भी डाउट था वो हम एक खाते पर लिख लिए थे। तो लेकिन जब हम डाउट क्लियरिंग के लिए पहले दिन हम सर हमको हम लोगों को क्लास दिया, तो डाउट क्लियरिंग ज्वाइन करके करने के बाद सर अभी बोला जी जितने भी डाउट क्लियरिंग चाहिए आपको, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, छह दिन, तो आप उतने दिन ही मांग सकते हो। तो हमने फिर सर ने चार दिन का डाउट क्लियरिंग दिया था, मैंने एक दिन हो जाने के बाद, दो दिन के गैप होने के बाद फिर और एक डाउट क्लियरिंग क्लास। सो मैं सर टोटल फोर या फाइव डाउट क्लियरिंग क्लास दिए थे, तो उसमें मेरा सभी डाउट क्लियरिंग कंप्लीट हो गया। ओके, तो बेसिकली आपको जो भी डाउट होता है उसके लिए हम लोग डाउट क्लियरिंग क्लास रेगुलरली प्रोवाइड करते रहते हैं। वैसे कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर आपको वन डे मिलेगा या टू डे मिलेगा, आपको जिस सिचुएशन में जिस पोजिशन में डाउट होगा आप उस पोजिशन में पूछ सकते हैं राइट। यस मैम। ओके, तो कौशिक मुझे एक बात बताइए, आपको जैसे डाउट हुआ था तो आप वो किस मीडियम से मतलब कैसे आपने कांटेक्ट किया? कुछ व्हाट्सएप ग्रुप आपको क्रिएट करके ऐड किया जाता है? यस मैम, यस मैम, पहले दिन ही सर हम लोगों को एक ग्रुप लिंक दिए थे, उसमें से हम इस एस्टिमेशन में जितने भी स्टूडेंट्स है तो सभी ज्वाइन कर दिए थे। तो हमारा जब डाउट क्लियर था मैंने सर ग्रुप में मैसेज किया था, सर हमें कुछ डाउट है, तो सर हम लोगों को एक डेट दिए थे, तो वो हम लोगों का फर्स्ट डाउट क्लियरिंग क्लास था। उसके बाद सर स्टेप बाय स्टेप जितना भी डाउट क्लियरिंग हो माने डाउट है थे वो और भी स्टूडेंट्स का सभी का डेट दिया, सब हो गया मैम। टोटल फाइव डेज का डाउट क्लियरिंग दिए थे मैम सर ने। That's good. मतलब कि आपका रेगुलर डाउट क्लियरिंग, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका डाउट क्लियरिंग होता था, आपने वो देखा था? यस मैम, यस मैम, सभी का अच्छी तरह से, एक ये नहीं हम पूछ ले तो और कोई पूछ नहीं सकता, सभी एक एक करके पूछते हैं, सभी का डाउट क्लियर होता है। मैं दोबारा भी पूछ सकता हूँ, मैंने वो कोई बात नहीं है एक घंटे के लिए टाइम है आप जल्दी बताओ अब जल्दी आपका डाउट क्लियर कर देंगे, वो नहीं, आप जितना भी टाइम लगे धीरे से समझ के बोलिए, सर को बोलिए, फिर सर आपको ध्यान से समझा देंगे। उसके बाद फिर भी आपको समझ नहीं आया दूसरे दिन भी आप अगर वही बात पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, तो सर अच्छी तरह से समझाते हैं, सर तो बहुत फ्रेंडली थे तो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। एस्टिमेशन हम लोग सभी, हमारा फ्रेंड्स ग्रुप में जितना भी लोग था तो सभी एस्टिमेशन सीख लिए है अभी। ओके कौशिक, तो अच्छा कौशिक, ये आपका ऑनलाइन मोड था ना ट्रेनिंग का? यस मैम, ऑनलाइन में अभी किए थे। ओके, तो आपको कोई डिफिकल्टी आ रहा था क्या ऑनलाइन प्रोसेस में? मतलब लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में होता है, ऑफलाइन होता तो ज्यादा बेटर होता। इस पेंडेमिक सिचुएशन को लेके आपको क्या, आपका थिंकिंग क्या है इस ऑनलाइन क्लासेस को लेके? देखिए मैम, ये थिंकिंग तो सभी का अलग अलग होता है, मेरा जो थिंकिंग है आप अगर सीखना चाहते हो तो आपका ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो कोई बात नहीं होता है, और अगर आप सीखना नहीं चाहते हो बहुत सारे स्टूडेंट होता है ना जो कॉलेज के लिए सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, फिर सर्टिफिकेट के लिए मैं ट्रेनिंग करूंगा, और बहुत स्टूडेंट्स है हम सीखेंगे जो भी हो, सर्टिफिकेट का कोई दिक्कत नहीं है, हम सीखेंगे, सर्टिफिकेट बाद में भी बहुत ले सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर आप सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन वो कोई बात नहीं है, जो बोल रहे हैं ऑनलाइन में नहीं सीख पाते वो सीखना ही नहीं चाहते, ठीक से ध्यान नहीं देते तो वो इसलिए सीख नहीं पाते। और सर जो हम लोगों को सिखाते हैं वो बहुत माने कोई भी कहीं पे भी माने क्लिक करके कोई ड्रॉइंग करे बा कोई मेजरमेंट करे बा कोई भी कुछ भी करे तो सर वो बहुत जूम करके दिखा कर माने अच्छी तरह से
मैंने सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। ये अगर हम आप लोग सोचे जे कंप्यूटर में कैसे हम लोग सीखे, कंप्यूटर में छोटा छोटा दिखेगा सब बहुत कुछ, तो वो कोई बात नहीं है, सर अच्छी तरह से सिखाता है, सब दिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है, विजन में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप अगर सीखना चाहते हो तो अच्छी तरह से सीख सकते हो। ओके कौशिक, तो आपका ये कहना है कि जो भी क्लासेस होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो भी विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर नहीं दिखता है तो सर उस जगह को जूम करके भी दिखाते हैं, राइट? यस यस मैम, ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि मैं सीख लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दूसरे स्टूडेंट्स के मैं बोल बता नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से सीखा हूँ। ओके दैट्स गुड। तो अब एक बात बताइए कौशिक, आप रेकमेंड करना चाहेंगे आपके किसी फ्रेंड्स को? यस, मैं बहुत फ्रेंड को रेकमेंड कर भी चुका हूँ, मेरा जो कॉलेज है वो सब फ्रेंड में एक बार पूछे थे जो ट्रेनिंग करके ये तो कैसे है, तो मैंने बहुत सारे फ्रेंड को भी रिकमेंड किया है, तो हम दूसरे फ्रेंड को भी बोलना चाहते हैं जो आप अगर सीखना चाहते हो तो सिविल सेंटर में से बहुत अच्छा है, सिविल सेंटर से आप कुछ सीख कर ही निकलोगे, तो आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका कुछ वेस्ट नहीं होगा, आप जो वो लोग सिखाएंगे अगर आप ध्यान से सुनोगे ध्यान से सीखोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, और सिविल में तो बेसिक जो जो सीखना पड़ेगा वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, तो वो आप मेरा मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप सिविल सेंटर से ही करिए, क्योंकि मैं दूसरे कंपनी से भी बहुत ट्रेनिंग किया हूँ लेकिन वहाँ पर कुछ माइनर प्रॉब्लम थी, लेकिन सिविल सेंटर में वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मैं तो फुल्ली रिकमेंड करूंगा ये कंपनी में ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके दैट्स ऑल। ओके थैंक यू कौशिक। तो अब एक और बात मेरे मन में आ रही है कौशिक, कि जब आपका एस्टिमेशन कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप अभी आपको कोई प्रोजेक्ट अगर मिले तो आप उसको अच्छे तरीके से मतलब एग्जीक्यूट कर पाएंगे एस्टिमेशन का टोटल जो प्रोसेस होता है? यस मैम, मेरा ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद सर हम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिए थे, तो मैं कोई दिक्कत नहीं आया, हम ध्यान से अच्छी तरह से वो कर लिए, लेकिन वो सर को भी दे दिए फिर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक अलग से प्रोजेक्ट मिलता है जिसको आपको खुद से कंप्लीट करके सबमिट करना होता है, राइट? यस मैम। तो कौशिक, ये एस्टिमेशन के जो का जो कोर्स था इसके ड्यूरेशन में जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जितना भी प्रैक्टिकल थिंग होता है, तो वो सारा चीज रिलेट कर पाए थे क्या इस कोर्स के साथ? मतलब यस मैम, प्रैक्टिकल थिंग्स प्रैक्टिकल वगैरह हम बोले तो प्रैक्टिकल में सर हम लोगों को सर जो इंडस्ट्रियल विजिट करे है कहीं पे, तो उसका जो प्रैक्टिकल जो चीज थे, तो मैंने अगर कोई भी मैंने ध्यान से समझाएंगे सर, तो वो प्रैक्टिकल का वीडियो भी हम लोगों को दिखाता था जे ये जहाँ पर ये है उस जगह पर वो है तो क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप, तो हम सर बहुत अच्छे तरह से समझाए इसलिए भी हम अच्छी तरह से समझे, लेकिन एक बात होता है ना, एक जे हम एस्टिमेशन करने के बाद जो कुछ समझ नहीं पा रहे ये कौन सा पार्ट है किस बारे में बात कर रहे हैं, तो सर वो प्रैक्टिकल में ही दिखा दे, मैंने प्रैक्टिकल में लेबर वगैरह जो काम करता है लेबर लोगों का, जो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है ठीक है, तो सर उस जगह का वीडियो लेकर वो जगह पर हम लोग को ध्यान से समझाया जे इस जगह पर यह करना है उस जगह पर वो करना है, तो हम ध्यान से समझ गए। ओके तो ओके कौशिक, मतलब कि जिस भी जगह पे आपका कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वीडियो के थ्रू भी सर आपको दिखाते थे कि हाँ ये ऐसा है, सपोज आपको अगर फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम है कि वो कि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है एक्चुअली कि उसका वर्क प्रोसेस कैसा होता है, तो वो सब आपको सर वीडियो के थ्रू बता रहे थे। यस मैम, यस। ओके दैट्स गुड, ग्रेट कौशिक। ओके सो आपने जो वर्क कंप्लीट किया है, जो मॉडल कंप्लीट किया है जिसके ऊपर एस्टिमेशन है कौशिक, तो आप वो शेयर कर सकते हैं क्या हमारे साथ? तो कौशिक आपका किसी रीजन की वजह से आप मॉडल शो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, हमें वर्क प्रोसेस बता दीजिए जो भी आप एस्टिमेशन में आपने पढ़ा है और रिलेट किया है प्रैक्टिकल से। यस मैम, अभी मेरा कुछ दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं मॉडल शो कर नहीं पा रहा हूँ, सॉरी मैम, लेकिन वर्क प्रोसेस जो है एस्टिमेशन का मैंने एक बिल्डिंग का एस्टिमेशन करने के लिए जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, तो वो फिर
मैं पहले हम लोग पाइलिंग के थ्रू एक काम किया है, पाइलिंग, उसके बाद एक्सकवेशन के ऊपर, उसके बाद सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग के बाद पीसीसी वर्क हुए हुए, उसके बाद शटरिंग का भी जो भी वर्क होता है, एस्टिमेशन होता है, उसके शटरिंग कर लिए, उसके बाद आरसीसी का हो गया, उसके बाद स्टील स्टील का एस्टिमेशन करे, उसके बाद ब्रिक का, उसके बाद प्लास्टरिंग, देन एकदम लास्ट में जो फिनिशिंग का जो वर्क होता है, माने यानी डोर वगैरह, विंडोज, मतलब जो भी फिनिशिंग वर्क होता है एकदम माने एंड में, तो अब हमें वो किए तो उसके बाद एस्टिमेशन प्रोसेस वो खत्म हो गया। माने स्टेप बाय स्टेप आपको एस्टिमेशन के लिए करना पड़ेगा एक बिल्डिंग के लिए। तो कौशिक ने भी प्रोसेस बताया जो भी आपका एस्टिमेशन में इंक्लूड होता है। तो थैंक यू कौशिक, आपने हमारे साथ जो भी आपका एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं आपने अभिजश। माय प्लेजर मैम। ओके, सो सिविल सेंटर ग्लैड है आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हम लोग के सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, तो होप है कि आप आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। तो इसी के साथ हम लोग ये रिव्यू को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।